Welcome to the physics class by Dr. Rumani sir. Students, आज जो हम topic discuss करेंगे वो 12th class का है और वो है magnetic effect of electric current. कौन सा टॉपिक है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. छोटे छोटे टॉपिक्स उठाएंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे बेटा इस पूरे क्वेश्चन. मेरे पास मेन कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. किसकी वजह से बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना. मैग्नेटिक इफेक्ट की प्रोडक्शन ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक करंट. सबसे पहली चीज हमारे पास जो मैंने डिस्कस करनी है वो है मैग्नेटिक फील्ड. किस चीज की डिस्कशन है? मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कशन. मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना चाहिए किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. मैंने क्या डिस्कस किया? मैंने एक वायर लिया बेटा, मैंने एक करंट कैरिंग वायर, ऐसा वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा था. अब कैसा भी वायर ले लेना, भाई ऊपर कोटिंग है नहीं है कुछ भी है, हमने वायर लिया जिसमें कितना करंट फ्लो कर रहा था? करंट फ्लो कर रहा था. इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा था बच्चों? आई करंट फ्लो कर रहा था. मैंने इस वायर से थोड़े से डिस्टेंस पर सबसे पहली चीज एक मैग्नेटिक नीडल रख दी. क्या प्लेस कर दी? मैग्नेटिक नीडल. मैग्नेटिक नीडल रखी तो इस मैग्नेटिक नीडल ने क्या शो आउट कर दिया? डिफ्लेक्शन शो किया. क्या शो कर दिया? डिफ्लेक्शन. क्लियर है? दैट मीन्स डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो मैं कहूंगा भी करंट की वजह से. किसकी वजह से? करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. हमारे पास क्या थी? करंट कैरिंग वायर. क्या थी बच्चों? करंट कैरिंग वायर. करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक नीडल रखा गया. ये सबसे पहला काम. एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ऑर्स्टेड. ध्यान से समझना भी इस चीज को. मैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन करवा रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक करंट कैरिंग वायर लिया, उसके पास एक मैग्नेटिक नीडल रखा, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, तो मैं कहूंगा भी क्या चीज है यहां पर? मैग्नेटिक फील्ड है. क्या है यहां पर? मैग्नेटिक फील्ड. किसकी वजह से? इस करंट कैरिंग वायर की वजह से. अब मैग्नेटिक फील्ड है क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है तो हम एक और टर्म डिस्कस करते हैं. भाई मैंने यहां पर एक चार्ज प्लेस कर दिया. अब ये बात ध्यान से समझना बेटा, करंट कैरिंग वायर के पास एक चार्ज रख दिया. जो चार्ज किस पर था? रेस्ट पर था. पहला केस है एक चार्ज एट रेस्ट. ए चार्ज एट रेस्ट इज प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग वायर. व्हेन वी प्लेस ए चार्ज एट रेस्ट नियर द वायर देन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज. ये बात ध्यान रखना, मैग्नेटिक इफेक्ट चार्ज पर तभी होगा जब वो मोशन में होगा. ये चीज मैं रिपीट कर रहा हूं. मैंने चार्ज रेस्ट पर रखा, करंट कैरिंग वायर की वजह से इस चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगा. फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने किया, मैंने एक वायर ली, करंट आई आ रहा था. वायर में करंट कैरिंग वायर थी विच कंटेन्स द करंट.
प्लेस कर दिया क्यू, इस चार्ज क्यू को एक वेलोसिटी दे दी वी। मैंने वायर जिसमें कितना करंट फ्लो कर रहा था, आई करंट फ्लो कर रहा था, उसके पास एक चार्ज क्यू रख दिया। पहले वाला चार्ज किसमें था, रेस्ट में, दूसरे वाला चार्ज किसमें आ गया, मोशन में। तो मैंने देखा ये चार्ज क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये बात नोट करके रखना, एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमेशा किस पर लगेगा, जब चार्ज मोशन में होगा, जब चार्ज एट रेस्ट होगा तब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ध्यान रखिए इतनी बात, क्या चीज है, अगर चार्ज एट रेस्ट है तभी उस चार्ज पर क्या लग रहा है, नो फोर्स या जीरो फोर्स है। जब वो मोशन में आ गया तब उस पर फोर्स एक्ट करने लग जाएगा। डिफरेंस क्लियर है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स अप्लाई करवाएगी, चाहे चार्ज रेस्ट पर हो और चाहे मोशन पर हो, यही मेजर डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं चार्ज को चाहे रेस्ट पर रख दूं, आइदर इट इज प्लेस एट रेस्ट और इन द मोशन, देन देयर इज एक्टिंग ऑफ फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल इफ दैट चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट डाउन कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे चार्ज रेस्ट पर हो चाहे मोशन पर हो उस पर फोर्स लगेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज रेस्ट पर है, अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, अगर चार्ज मोशन में है तो उस पर फोर्स लगेगा। इतना ध्यान रहेगा। अब देखो, अब इसी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, बड़े ध्यान से समझना इस टॉपिक को। इस टॉपिक में हम दो तीन चीजें कवर करेंगे, समझ में आ रहा है यहां तक, अब नोट डाउन करते रहना साथ साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज, वायर्ड सावर्ट लॉ, ध्यान रखना, वायर्ड सावर्ट लॉ। वायर्ड सावर्ट लॉ किसके साथ डील करता है, एक करंट कैरिंग वायर ले ली, कैसी वायर ले ली, करंट कैरिंग वायर। बायर सावर्ट लो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालेगा। ध्यान रखना, बायर सावर्ट लो एक स्मॉल एलिमेंट डीएल ले लिया, वायर्ड सावर्ट लो क्या कहता है, वायर्ड सावर्ट लो कहता है एक वायर है लेंथ एल की। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बेटा, पिछला कॉन्सेप्ट क्या दिया था, किस चीज पर फोर्स एक्ट करेगा, मूविंग चार्ज पर, रेस्ट वाले पर फोर्स एक्ट नहीं करेगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चार्ज को चाहे रेस्ट पर रख दो, चाहे मोशन में डाल दो, उस पर फोर्स एफ इक्वल टू क्यू की लगना ही लगना है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उस पर फोर्स जीरो लगेगा, ये बात ध्यान रख लेना बेटा। अब वायर्ड सावर्ट लॉ, वायर्ड सावर्ट लॉ टी साइलेंट है, वायर्ड सावर्ट लॉ किसके साथ डील कर रहा है, ये डील कर रहा है एक स्मॉल एलिमेंट है डीएल, किसके ऊपर, एक एल लेंथ की वायर पर। इस स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से मुझे पी पॉइंट पर वायर्ड सावर्ट लॉ किसी भी वायर के स्मॉल एलिमेंट की वजह से, किसकी वजह से, स्मॉल एलिमेंट की वजह से, ये
हमेशा स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, कैसी मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड किसी आर डिस्टेंस अपार्ट जो कि एंगल थीटा बना रहा है पॉइंट पी पर फाइंड आउट कर पाएगा। एक चीजें डिस्कस हुई बार्ट सावर्ट फ्लो को डिस्कस करने के लिए बेसिक जानना जरूरी है। बार्ट सावर्ट फ्लो डील किसके साथ कर रहा है, ये डील कर रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ध्यान रखना भी इसके साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहली चीज ये किसके साथ, डीएल एलिमेंट, डीएल मतलब स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट चाहिए, पूरी लेंथ के लिए नहीं निकालेगा कभी भी, किसके लिए निकालेगा हमेशा स्मॉल एलिमेंट के लिए। दूसरी पॉइंट, एंगल कितना बना रहा है थीटा, कौन बना रहा है, डीए एलिमेंट बना रहा है, एंगल एलिमेंट थीटा कौन बना रहा है, डीए एलिमेंट विद आर। तीसरी चीज, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डीएल एंड पॉइंट पी, क्लियर है ना। अब देखो मैं सबसे पहले इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूंगा, कौन सी फॉर्म लिखूंगा, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म समझना इस चीज को, नोट डाउन कर लो इस चीज को। यस सर, देखो वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं डीबी, डीबी वेक्टर बना, दैट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, म्यू नॉट बाय फोर पाई, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं बुक के अकॉर्डिंग नहीं, म्यू नॉट बाय फोर पाई, आई, आई आप सब जानते हो कैसी क्वांटिटी है, आई एक स्केलर क्वांटिटी है, आई एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो आई को बाहर रख दो, डीएल वेक्टर है, क्रॉस आर वेक्टर है, डिवाइडेड बाय आर, बहुत अजीब लग रहा हूं आपको क्योंकि फर्स्ट टाइम सुन रहे हो सारी चीजें। म्यू नॉट यहां पर क्या है, म्यू नॉट यहां पर है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, नोट डाउन कर रहे वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म का बहुत ज्यादा यूज है, क्यों ज्यादा यूज है, क्योंकि ये मुझे डायरेक्शन निकालने में हेल्प करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसमें हेल्प करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेन मेन पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, पहला रेस्ट पर चार्ज है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज एट रेस्ट है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, अगर चार्ज मोशन में आ गया तो वो डेविएट कर जाएगा, क्लियर। दूसरी बात, बायर्ड सावर्ट लॉ, बायर्ड सावर्ट लॉ डील करता है स्मॉल एलिमेंट है डीएल, उस स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से पी पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये आर डीएल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, डीएल के साथ ये आर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है, इतना ध्यान रह जाएगा। अब नोट डाउन हो गया होगा, अब सुनना, देखो डीएल क्रॉस आर वेक्टर सब कर चुके हैं 11th क्लास में, इसको आप क्या लिख सकते हो, डीएल आर साइन थीटा, तो देखो स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं डीबी, म्यू नॉट बाय फोर पाई, आई एस एस डीएल क्रॉस आर को डीएल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यू डीबी म्यू नॉट बाय फोर पाई, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वेयर बच जाता है,
पाई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इससे क्या पता लगा है देखो मुझे, नोट ऑन करो, देखना इससे हम क्या लिखते हैं, जो डीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट आई के, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल लेंथ डीएल एंड डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अब देखना मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट की बात, इसकी एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या फिर टेस्ला, या फिर टेस्ला, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की टर्म्स में वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या फिर टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से डिस्कस करना इस चीज को, म्यू नॉट बाय फोर पाई की वैल्यू कितनी होगी, 10^-7। म्यू नॉट बाय फोर पाई की वैल्यू कितनी रहेगी, 10^-7। क्लियर, तो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इस में। अब म्यू नॉट बाय फोर पाई का यूनिट निकालते हैं डीबी, डीबी किसमें मिले होता है, न्यूटन अभी अभी लिखा पर एम्पियर मीटर। म्यू नॉट बाय फोर पाई की निकालनी है मुझे, आई किसमें मेजर हो रहा है, एम्पियर, डीएल किसमें मेजर हो रहा है, मीटर, साइन थीटा है कोई यूनिट मीटर स्क्वायर, कैंसिल आउट, एक मीटर से एक मीटर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ परमीएबिलिटी। अब इस पर हम डायरेक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हमने क्या डिस्कस किया, बायट सापट लो, इसकी वेक्टर फॉर्म बहुत जरूरी है क्योंकि डीएल क्रॉस आर से ही आप क्या निकाल पाओगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन निकाल पाओगे, नोट कर लो इसको सारे को, बायट सापट लो को। अब डायरेक्शन की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, दो रूल्स डिस्कस करेंगे। अब मैं कॉर्नर में वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं, डीबी म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यू। कौन सी फॉर्म लिख डाली है मैंने, वेक्टर फॉर्म लिखी म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर। समझना थोड़े ध्यान से, डायरेक्शंस, डायरेक्शंस निकालने के लिए दो रूल हैं। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कितने रूल्स हैं, दो रूल्स हैं बेटा। सबसे पहला रूल, दैट वन इज स्क्रू रूल। स्क्रू रूल को हम डिस्कस करेंगे। दूसरा रूल, राइट हैंड पाम रूल, मेजर इसी का यूज करेंगे। सेकेंड, क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। समझना, सबसे पहला रूल कौन सा है, स्क्रू रूल।
डी एलिमेंट, पी पॉइंट पर फाइंड आउट। स्क्रू जानते हो, जहां डीएल है, डीएल पहले था, डीएल वाले पॉइंट पर स्क्रू रखो। कौन सा रूल है? स्क्रू रूल है वेक्टर फॉर्म, दैट इज डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर ही आपको क्या प्रोवाइड करेगी? डायरेक्शन देगी। डीएल क्रॉस आर ही आपको क्या प्रोवाइड कर रही है? डायरेक्शन। डीएल वाले पॉइंट पर स्क्रू रखा आपने और किस तरफ घुमाना है? आर की तरफ घुमाना है। किस तरफ रोटेट? जिस तरफ भी आर है डीएल के, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, उस तरफ घुमा दो स्क्रू को। जिस तरफ आर है उस तरफ आपने स्क्रू को घुमा देना है। स्क्रू दो केस बनेंगे, या तो इनवर्ड चला जाएगा स्क्रू। अभी बोर्ड में मुझे स्क्रू डालना था, बोर्ड में स्क्रू डालना है तो या तो स्क्रू अंदर जाएगा या बाहर आएगा। या तो इनवर्ड, इनवर्ड गया तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? इनवर्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? इनवर्ड। अगर आउटवर्ड आया तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगी। स्क्रू पर बेस्ड है। स्क्रू को आपने कहां रखना है? जहां पर डीएल और आर, जहां पर डीएल और आर क्या हो रहे हैं? ज्वाइन हो रहे हैं। यहां ज्वाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? क्लियर है? यहां स्क्रू रख दिया आपने। किस तरफ रोटेट करवाना है? किसकी तरफ रोटेट करवाओगे? आर वाली साइड रोटेट करवाओगे। किस तरफ रोटेट करते हैं? डीएल क्रॉस आर ही आपको डायरेक्शन दे सकता है ना। वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस, गिव्स द डायरेक्शन। डीएल और आर, आपने आर की तरफ रोटेट करवाया तो स्क्रू देखो। अगर आपने स्क्रू को कभी लगाया है तो स्क्रू कहां मूव करेगा? इस केस में इनवर्ड मूव कर जाएगा, इनवर्ट। क्लियर है? अगर पी पॉइंट इधर होता तो कहां मूव कर जाता स्क्रू? बट स्क्रू रूल स्पेसिफिक केस में ही लगता है, इसलिए फॉर ब्रॉडर व्यू हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? राइट हैंड पाम रूल। स्क्रू रूल क्लियर है?